हेलो दोस्तों, क्या आप जानते कुछ ऐसी बातें चीन के बारे में? तो आज इस वीडियो में जानिए कुछ ऐसी बातें चीन के बारे में जो आपको हैरान कर देंगी। पिछले एक दशक में चीन का आर्थिक विकास अमेरिका से 60 गुना ज्यादा रहा है। दुनिया के 85% बनावटी क्रिसमस ट्री और 80% खिलौने चीन में बनाए जाते हैं। चीनी लोग हर सेकंड में 50,000 सिगरेट पी जाते हैं। दुनिया भर में जहां अंडों को पानी में उबाला जाता है, वहीं चीन में लड़कों के पेशाब में अंडे उबाले जाते हैं। दुनिया का सबसे पुराना कागज का टुकड़ा चीन में पाया जाता है, जो पहली या दूसरी सदी ईसा पूर्व पुराना है। यह कागज का टुकड़ा बहुत मजबूत है और किसी समय कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है। चीन में रेशम के कपड़े 3000 ईसा पूर्व से बन रहे हैं। रोमन चीन को सरिका नाम से जानते थे, जिसका अर्थ है रेशम का देश। चीनियों ने रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा बनाने की तरकीब छुपा के रखी थी। अगर कोई भी इस तरकीब को किसी और देश को बताने के मकसद से पकड़ा जाता तो उसे मार दिया जाता। चीन की एक बच्चा नीति के कारण लड़कियों की संख्या में भारी कमी आई है। चीन में लड़कियों की गिनती लड़कियों से 3,20,00,000 ज्यादा है, इसलिए भविष्य में अनेकों नौजवान अपने लिए पत्नी नहीं ढूंढ सकेंगे। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40,00,000 बिल्लियां खाई जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चीन में है, पर ये 2005 तक 99% खाली था। 2030 में चीन के शहरों में जितनी आबादी होगी, वह दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश अमेरिका की आबादी से ज्यादा होगी। इटली में ईसाई धर्म का जन्म हुआ है, फिर भी चीन में 5,40,00,000 ईसाई रहते हैं और इटली में केवल 4,74,00,000। चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। चीन में सबसे ज्यादा जुबान बच्चे पैदा होते हैं। अगर हम चीन और बाकी दुनिया दोनों को अलग अलग मान लें, तो जितने लोगों को मौत की सजा बाकी दुनिया में दी जाती है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले चीन में लोगों को मौत की सजा दी जाती है। चाइना में खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती हैं कि आपको नदी में से डेड बॉडी निकालने की भी नौकरी मिल सकती है। चीन की भाषा चीनी या मंडारिन दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा है। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है और तीसरे पर हमारी हिंदी। 2008 में चीन ऐसा तीसरा देश बन गया जिसने सफलतापूर्वक एक मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा। सबसे पहले रूस ने भेजा था और बाद में अमेरिका ने। सितंबर 27, 2008 को झाई झिंग अंतरिक्ष में चलने वाले सबसे पहले चीनी अंतरिक्ष यात्री बने। चीन की दीवार मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज है, जो कि अंतरिक्ष से भी दिखती है। इसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर है। दुनिया का हर पांचवा मनुष्य चीनी है। टॉयलेट पेपर की खोज 1300 ईस्वी में चीन में हुई थी, पर यह सिर्फ राजघराने के लोगों के लिए होता था। चीन में कागज, कंपास, दिशा सूचक, बारूद और छापे खाने की खोज हुई। चीनियों ने 3000 साल पहले पतंग की खोज की। वह पतंग की प्रयोग युद्ध में दुश्मन को डराने के लिए भी करते थे और मनोरंजन के लिए भी। चीन के पश्चिम से पूर्व के इतने विस्तार के बावजूद भी हिमसे भी भारत की तरह एक ही समय खंड है। चीन में +5 बजे है और भारत का +5:30। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि फुटबॉल की खोज 1000 ईस्वी पूर्व में चीन में ही हुई थी। चीन में ज्यादातर लोगों का पसंदीदा शौक टिकटें इकट्ठी करना है। 103 ईस्वी में जेहीग नामक खगोल शास्त्री और विद्वान ने एक ऐसे यंत्र की खोज की जो भूकंपों को माप सकता था। चीन के लोगों ने ही आइसक्रीम और न्यूडल जैसे पकवानों की खोज की थी। चीन के एक सरकारी कर्मचारी सुसुंग ने 1088 से 1092 में सबसे पहले एक मैकेनिकल घड़ी बनाई थी। यह समय के साथ साथ तारों की स्थिति भी बताती थी। चीन में प्राकृतिक गैस का उपयोग ईसा से 4 सदियों पहले भी ताप के स्रोत के रूप में किया जाता था। ईसा से 2 सदी पहले ही चीनियों ने यह जान लिया था कि खून हमारे पूरे शरीर में निरंतर चक्कर लगाता रहता है, जबकि यूरोप में यह बात 17वीं सदी तक पता ही नहीं थी। यूरोप में विलियम हार्वे 1578-1657 ने इस चक्र की खोज की थी। तीर कमान का उपयोग भी सबसे पहले चीन में ही किया गया था। चीन के संघाई शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। चाइना में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर बैन है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।